लेकिन आज एक प्रस्ताव लोकसभा सोनीपत के सोनीपत शहर में था कि भाई लोकसभा पहले आएगी, विधानसभा बाद में आएगी, और राजकुमार सैनी यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़े ताकि हम 9 विधानसभा इसके तहत आती हैं उनको जीतने का दम भर सके। तो मैंने 26 नवंबर को एक रैली रखी। 26 नवंबर को मैं लोगों से जानना चाहता हूं कि इनके अंदर बलबला और इनके अंदर भेदभाव और शोषण के खिलाफ कितना आक्रोश है, और जो ये लोग मानसिक गुलामी अंधविश्वास पाखंड के अंदर जकड़े हुए पड़े, उन लोगों को खुले शब्दों में कहा कि संविधान पढ़ो, हकों के लिए जागृत हो जाओ, और जो आज 52% बैकवर्ड है उसका हिस्सा सिर्फ 11% है। हमारे देश के 25 हाईकोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी में हमारी बैकवर्डों की 0 और शेड्यूल कास्ट के सिर्फ 3% है, और बैकवर्ड का एक आधा है कोई किसी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक आधा, और 40-50 यूनिवर्सिटियों के अंदर बैकवर्ड क्लास की 1 अप्रैल 2018 तक एक भी प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर नहीं बैकवर्ड का, शेड्यूल कास्ट के सिर्फ 5% है, मिलिट्री के अंदर कोई रेजिमेंट हमारी नहीं है, बाहर विदेशों में राजदूत नहीं है, सारी इंडस्ट्री सारे मीडिया चैनल उन लोगों के पास हैं। अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा, उसका संविधान दिवस है 26 नवंबर, और 26 नवंबर को ही महात्मा ज्योतिबा फूले की पुण्यतिथि है, उस पर एक भव्य प्रोग्राम करेंगे और वहाँ डिसाइड करेंगे कि कौन कहाँ से लड़े। सैनी साहब नमस्कार, सोनीपत क्यों चुना गया? हाँ जी, सोनीपत क्यों चुना गया है? सोनीपत क्यों चुना गया है? ये तो लोगों ने चुना, मैंने नहीं चुना। मैं तो 26 नवंबर की डेढ़ दिन को अभी ये भाई तुम मेरे को करिश्मा दिखाओ तब सोचूंगा। 2024 की तैयारी कैसी? 2024